यार मेरी नाक भर गई यार, मैं टिश्यू पेपर भी लेके आई। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर। आज बात करने वाली हूँ माय जिम एसेंशियल्स। अगर आपको नहीं पता, कशिका चौहान का एक नया नया फेस चल रहा है जो है जिम फेस। आप देख सकते हो वर्कआउट मोड ऑन की मैंने टी पहनी हुई है। आजकल मैं जिम जा रही हूँ तो मुझे भी काफी मजा आ रहा है जिम की कपड़े लेने में, जो भी चीजें होती है बेसिकली। सो मैंने कलेक्टिव ये हॉल वीडियो बना रही हूँ जो सब कुछ मैंने अमेजोन से लिया, और ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली आज की पोस्ट कर रही हूँ बिकॉज कल शुरू होने वाली है अमेजोन की प्राइम डे सेल। 23 एंड 24 जुलाई दो दिन ये प्राइम डे सेल रहेगी। सो आपको इन सारी चीजों पर आई गेस बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। नॉट जस्ट दिस, और भी बहुत सारी चीजों पर अच्छी डील मिलेगी। सो मुझे लगा आपके पैसे भी थोड़े बच जाएंगे अगर मैं एकदम राइट टाइम पे वीडियो बनाऊंगी। इज लाइक बेसिक एसेंशियल्स, अगर आप जिम शुरू करने वाले हो ना, ये सारे एसेंशियल्स आपके पास होने चाहिए। सो ये वीडियो कहने की एकदम परफेक्ट गाइड बन जाएगी मेरी गर्ल्स के लिए जो जिम ज्वाइन करना चाहती है। आई वुड से करो यार, वर्कआउट करने में जो आनंद मिलता है ना वो अलग ही लेवल पे होता है, बिकॉज आजकल मैं काफी ज्यादा पम्प्ड अप फील करती हूँ। बट विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले बता देती हूँ, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सबके, और आपको एक मेरा स्टोर फ्रंट का लिंक भी मिलेगा। आप वहां पर जाके भी ये सारी चीजें इजिली शॉप कर सकते हो। प्राइसेस मुझे खुद नहीं पता कितना स्लैश डाउन होंगे क्योंकि सेल कल शुरू हो रही है, तो प्लीज लिंक पर जाके चेक करना कि सेल के टाइम पे आपको क्या प्राइस पड़ रहा है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट परचेज, जो मैंने सबसे पहले लिया था जिम जाने से पहले, वो है एक प्रॉपर जिम बैग। मेरे पास जितने भी बैग्स है ना, वो सारे गर्ली से लड़की वाले स्लिंग बैग जो होते हैं ना, छोटे टाइनी, इतना कोई बड़ा स्पेशल मेरे पास स्लिंग बैग नहीं था। और मैं वैसे बैग से जिम लेकर जाऊंगी नहीं, लोग थोड़ा अजीब सोचेंगे। मैं बड़ी पम्प्ड अप थी ना जिम स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने ले भी लिया। मैंने अमेजोन पर ढूंढा जिम बैग और मुझे दिखा ये पर्टिकुलर ब्रांड, मुझे अच्छी लगी, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया और ये नेक्स्ट डे रिसीव भी हो गया था। नाउ द थिंग इज, ये आया काफी ब्रॉड, आप देख सकते हो इसकी चौड़ाई काफी ज्यादा है। इमेज में अगर आप देखोगे ना अमेजोन पर, इतनी चौड़ाई इसकी लगती नहीं है। और मैं डायमेंशन देखना भूल गई, बिकॉज जब आप डालने पर आते हो ना, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। लाइक मेरा जो सिपर ही है वो ही इतना ब्रॉड है, तो आधी इसमें से जगह नहीं लेता है। दिस इज माय सिपर बॉटल जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकॉन डी ऐसा कुछ डाल के जाती हूँ। हमारे सर ने ये बोला है कि इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के लाया करो, सो दैट जब स्वेटिंग हो तो डिहाइड्रेशन फील ना हो। ये सिपर वैसे मैंने ऑफलाइन लिया था, बट सैडली मुझे अमेजोन पर बाद में दिखे कि इतनी अच्छी डील पे सिपर्स मिल रहे थे। मुझे ना अमेजोन पे सिपर महंगे होंगे, मैंने सर्च भी नहीं किया और मैंने ऑफलाइन ले लिया। ऐसे डिटो सिपर्स आपको अमेजोन पे 200 इससे भी कम प्राइस पे, डील प्राइस पे मिल जाएंगे। अगर मुझे ऐसा सिमिलर मिलेगा ना, तो मैं नीचे लिंक कर दूंगी, बिकॉज एक अच्छा सिपर होना बहुत जरूरी है। जिम में बीच बीच में प्याज भी लगती है, सो वो जरूरी होता है। और मैंने लिटरली बैग पूरा भर दिया, अंदर भी 2-3 सामान है, बार बार पॉकेट में काफी सारा सामान है। अगर आपको वीडियो चाहिए होगी ना व्हाट इज इन माय जिम बैग, तो प्लीज मुझे बताना, आई मेक वन क्विक वीडियो, शॉर्ट्स बना लेंगे हम। या अगर आपको चाहिए होगी बताना, मैं यूट्यूब शॉर्ट्स आपके लिए बना लूंगी। बाहर पॉकेट मिलती है, एक आपको ये मेन पॉकेट मिलती है, और अंदर भी आपको एक सेपरेट पॉकेट मिलती है ये भी, जिसके अंदर मैंने अपना कैश और एक्स्ट्रा कार्ड वर्क रखा हुआ है। थोड़ा बहुत कैश रखना पड़ता है, तो एक अंदर भी आपको अच्छी पॉकेट मिलती है। सो ओवरऑल स्पेशियस भी है। आप उसको एज अ ऑफिस बैग, लाइक अगर आपको लैपटॉप लेके जाना है या शूज भी, काफी लोग अपने शूज जिम बैग में रख के लेके जाते हैं, वहां पर चेंज करते हैं, तो उस हिसाब से काफी अच्छा है, वेरी स्पेशियस एंड नाइस। लेट्स स्टार्ट विद जिम आउटफिट्स नाउ, जो मैंने लिटरली जून एंड में ऑर्डर कर दिए थे और मैं काफी बार पहन रही थी, स्टोरीज डाल रहे थे, एंड एवरीवन वाज लाइक कब आएगा हॉल, कब आएगा, बताओ तो सही, इसका लिंक तो दो, बिकॉज बहुत लोगों को पसंद भी आ रहे थे। सबसे पहले चीज मैंने पिकअप करी है वो है ये जिम टाइट्स फ्रॉम द ब्रांड इनामोर। मुझे पहले पता नहीं था कि इनामोर जिम टाइट्स ही बनाती है। ये उनकी द न्यू एनर्जी लेगिंग, ये बेसिकली 88% पॉलिएस्टर 12% स्पैंडेक्स से बनी है। नाउ मैं पर्सनली पॉलिएस्टर वाली ही जिम टाइट्स प्रेफर करती हूँ, बिकॉज जो कॉटन वाली आती है ना उसमें स्ट्रेच इतना नहीं हो पाता, मतलब ऐसा लगता है अब फट जाइए। अगर आप थोड़ा सा कार्डियो करो, स्ट्रेचिंग करो, तो उसमें बहुत वो रहता है। पॉलिएस्टर ऑन द अदर हैंड स्ट्रेच बहुत अच्छा देती है, सो इसलिए मैं पॉलिएस्टर की प्रेफर करती हूँ। सो ये इनामोर ब्रांड की है, सुपर 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 हाई वेस्टेड एंड लॉन्ग। अगर आप लंबे हो ना बहुत ज्यादा, आपको जिम टाइट्स नहीं मिल रही, आई वुड से ट्राई दिस वन, बिकॉज ये नीचे भी मुझे काफी लंबी आती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एंकल से ऊपर आती है। सो ये काफी टॉल लड़कियों को भी फिट आएगी। इसकी हाई वेस्ट वाली हग बॉडी फिट इतनी सेक्सी आती है, बहुत अच्छी लगती है। आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हो, मैं इसको पूरे मंथ में आई थिंक 4-5 या फिर उससे ज्यादा बार पहन चुकी हूँ। वॉश भी मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स कराया है एंड स्टिल इट इज इन गुड शेप। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज, ये ब्लिस क्लब का मैंने ड्यूप बोला था अपनी इंस्टा स्टोरी पर भी, बिकॉज इसमें पॉकेट है, बहुत कम जिम टाइट्स होते हैं इसमें पॉकेट होती है। सो इसमें आपको बोथ साइड अच्छी खासी डीप पॉकेट मिलती है, मतलब मेरा पूरा फोन इसमें आ जाता है। यू गेट नाइस डीप पॉकेट्स और इसकी फिटिंग काफी अच्छी है, और इसमें जो स्टिचिंग है ना वो ऐसी क्रॉस वाली है, इसके बॉटम पे आपको ऐसा डिजाइन मिलेगा। इसमें काफी सारे कलर्स अवेलेबल है, मैंने सबसे सस्ता वाला कलर मंगाया था, बिकॉज हर कलर का प्राइस थोड़ा डिफरेंट था।
था, तो मैंने ये नेवी ब्लैक सेज कॉम्बो मंगाया है जिसका प्राइस 1019 अभी दिखा रहा है, बाकी मुझे पता नहीं सेल के टाइम पे कितना हो जाएगा। और इसमें मैंने साइज पिकअप किया है मीडियम, मीडियम फिट्स मी द बेस्ट। अगर आपकी भी 28 से 30 बीच में वेस्ट है ना, आई वुड से मीडियम ही लेना, बिकॉज इसका जो हाई वेस्ट बैंड है ना वो काफी अच्छे से फिटिंग देता है। जिम टी जो एकदम वही सेम पॉलिएस्टर फुल स्ट्रेच वाले मटेरियल की है। अगर आप बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हो, आपको पसीने आते हैं ना, तो आप इसी कॉटन की टी नहीं पहन सकते। ये टी बाय द वे मैंने लोकल मार्केट से लिया जो 150-200 की आती है, और ये प्रॉपर कॉटन की है। इसमें हल्का सा पसीना आता है, पसीना दिखने लग जाता है, सूखता जल्दी नहीं है, बहुत ज्यादा गीला गीला फील होता है। वेयर एज जो ये स्पोर्ट्स फिट वाली टीज होती है ना, जैसे पॉलिएस्टर स्टफ की आती है, जल्दी सूख जाती है, क्विक ड्राइंग होती है, चिपकती नहीं है आपकी स्किन से। सेम एक्टिव अमेजोन की अपनी ब्रांड है, मैंने नियॉन ऑरेंज कलर की टी मंगा ली। मेरा फर्स्ट नियॉन ऑरेंज आउटफिट है, मैं यूजली नियॉन नहीं पहनती हूँ, लेकिन उस पर लिखा था नियॉन ऑरेंज कलर, लेकिन जो इमेज बनी हुई थी ना वो नॉर्मल थी। आप यहाँ पे देख सकते हो मॉडल पर, इतनी कोई चटैक नहीं लग रही, वाइल रियल लाइफ में काफी एकदम चटैक वाली आई है, बट आई लाइक इट। आई थिंक जिम में लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, सो नो इशू। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है, मैंने इसे साइज लिया है एस, इसकी फिटिंग मुझे इतनी अच्छी आई है ना। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप ऐसी सस्ती लोकल वाली टीज लोगे ना, मतलब ऐसे वाली कंफर्टेबल रहती है, लेकिन इनके जो गले होते हैं ना, लाइक यू कैन सी कितना ढीला है। सो जब आप प्लैंक करते हो, आगे बेंड होते हो, ऊपर नीचे वाली एक्सरसाइज करते हो, ये चीज बहुत ज्यादा ऐसे हो जाती है, फिर आपको अनकंफर्टेबल लगता है। वाइल जो ये जिम की स्पेसिफिकली टीज आती है ना, इनका नेकलाइन काफी हाई होता है, हाई तो होता ही है, प्लस इनका नेकलाइन और फिट कुछ ऐसी होती है कि ज्यादा गिरता नहीं है, सो ये प्रॉपर ऐसे हब फिट रहता है। इसकी फिटिंग मुझे बहुत अच्छी आई है। अगर आपका मेरे जैसा 34B के अराउंड बस्ट साइज है ना, तो स्मॉल साइज ही लेना। अनदर गुड थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टी इज, एज आई टोल्ड यू, मैं थोड़ा सा कॉन्शियस फील करती हूँ जिम टाइट्स में, जो पीछे बम्स चमकते हैं घर से जिम तक के रस्ते में। सो मैं पर्सनली वही टीज ज्यादा पहनना प्रेफर करती हूँ जो पीछे से ना थोड़ी लॉन्ग होती है, और ये एकदम परफेक्ट है। इसमें आप देख सकते हो, मैं वीडियो भी इंसर्ट कर दूंगी, इसमें जो पीछे का एरिया है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, लाइक फ्रंट के कंपैरिजन में इसका जो पीछे का है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, तो अच्छे से ये हिप एरिया को कवर कर देता है। जिम में जब मैं जाती हूँ ऑब्वियसली टक वक कर लेती हूँ, सो दैट जंपिंग वगैरह करो तो इतने हिले नहीं, लेकिन जब बाहर निकलती हूँ तो मैं उसको निकाल लेती हूँ, अच्छे से मेरा हिप एरिया को ही कवर करता है, सो मुझे कंफर्टेबल फील होती है। आई थिंक फॉर द प्राइस पॉइंट इज एक्चुअली वेरी गुड। सो इसमें मैंने 2 वीक पहले निकाल लिया था, ये मैंने ली है जॉकी की एक्टिव ब्रा एट लेजर, ये ब्रा है, और ये मैंने पिकअप करी है ऐसे बेबी पिंक कलर में। इसमें मैंने साइज पिकअप किया है आई गेस 34B का साइज है मीडियम, सो इसमें मीडियम पिकअप किया है। जॉकी का आपको पूरा साइज चार्ट मिलता है नीचे, तो उसमें लिखा भी हुआ था कि 34B या 34C अगर आपका कप साइज है तो आप मीडियम ले सकते हो, एंड बिल्कुल एग्जैक्ट वो चार्ट था। मुझे इसका फिट बहुत अच्छे से आया है, मतलब इट्स लाइक ये मुझे टाइट नहीं है और ये मुझे ब्रीदेबल भी फील होती है, ऐसा नहीं है कि मुझे इतना फंसा फंसा फील होता है, मुझे सपोर्ट अच्छा देती है ज्यादा। ऐसा होता ना कि जब जंपिंग या फिर कुछ करते हो तो बहुत ज्यादा ऐसे ऐसा होता है, लड़के को पता होगा कि कितना बड़ा इशू है, वो इसके साथ नहीं होता। सो इसका फ्रंट है कुछ इस तरह से, और बैक है इसकी वो रेसर बैक वाला स्टाइल है, जो बैक से थोड़ा क्रॉस जाता ना, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने पैटर्न सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है। इसमें आपको हुक वुक नहीं मिलता, तो आपको इसको ऊपर से ही पहनना पड़ता है, ये फ्रंट से पहनने वाली नहीं है। देन वी गेट पैडिंग्स एज वेल विच इज गुड, और पैडिंग्स को आप रिमूव भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर अंदर की साइड एक स्लिट मिलता है, बेसिकली हेयर इज द स्लिट, जहाँ से आप पैड को निकाल के वॉश कर सकते हो। कभी भी इसको वॉश करो ना, आई वुड से पैड निकाल कर ही करना, काफी बार जब आप इसके साथ वॉश कर देते हो ना, पैड थोड़ा अजीब हो जाता है, रफ हो जाता है, फिर वो दिखने लगता है, यहाँ पे टेक्सचर आना शुरू हो जाता है। सो अगर आप इसकी पैड की थोड़ी सी लॉन्गिटिविटी बढ़ाना चाहते हो ना, पैड को अलग से वॉश कर लिया करो, ज्यादा मत किया करो। हर बार अगर ब्रा वॉश करते हो ना, तो पैड को मंथ में 1 या 2 बार ही वॉश कर लिया करो, धूप में रख दिया करो, थोड़ा सा डिसइंफेक्ट हो जाता है। बिकॉज इनके पैड्स अगर आप रेगुलर बेसिस पे वॉश करने लग गए ना, वो भी इसी के साथ इंसर्टेड में, तो वो खराब हो जाता है, उसमें टेक्सचर आ जाता है, वो ज्यादा टाइम के लिए चलता है। इवन जॉकी कंफर्ट फिट सुपर कॉम्फर्ट कॉटन इलास्टिक फैब्रिक है, इसका मॉइस्चर मूवमेंट है, स्टे फ्रेश ट्रीटमेंट विद एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, रिमूवेबल कुकीज। ओहो, हम इनके पैड्स को कुकीज बोलते हैं, तो मुझे पता ही नहीं था, आई लर्न समथिंग न्यू, यू कैन रिमूव द कुकीज। थोड़ा सा अजीब साउंड कर रहा है, बट नेवर माइंड। नेक्स्ट एसेंशियल्स आर शूज, और शूज की भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। सो मैं वैसे पहन रही थी मेरे न्यू बैलेंस के पिंक वाले शूज, जो काफी अच्छे हैं कंफर्ट वाइज, और वो विद इन 1 वीक ऑफ जिमिंग ना अजीब से हो गए, वो नीचे से थोड़े से टियर होने शुरू हो गए, लाइक वो सोल से थोड़ा सेपरेट हो रहा था, एंड आई वाज स्केयर्ड कि वो टूट ना जाए जिम करते वक्त, बिकॉज मैं उसको बहुत साल से पहना है, मतलब 3-4 साल मैंने उसको रगड़ा है, हर ट्रिप्स पर मैं लेके गई हूँ। सो इंस्टेंटली मैंने रात को ना
अमेजोन पे सर्च कर रही थी कि मुझे जो सस्ते बजट पे अभी शूज मिल जाए, बाद में जब कोई प्रॉपर सेल आएगी मैं तब ले लूंगी, बिकॉज जब प्रॉपर ऐसी सेल आती है ना मैं तब शूज लेना प्रेफर करती हूँ, अच्छी डील्स भी मिल जाती है। उस टाइम इतनी कोई डील चल नहीं रही थी, अब तो शायद आपको अच्छी डील पर भी मिल जाए। और सो ये मुझे दिखे एडिडास के बेसिक ट्रेनिंग शूज जो 1500-1600 समथिंग के मिल रहे थे, मैं यहाँ पे भी इमेज इंसर्ट कर दूंगी। एंड दीज आर एक्चुअली कंफर्टेबल, मतलब जब मैंने लिए थे मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार सस्ते एडिडास के एकदम बेसिक वाला मॉडल है कितना ही कम्फर्ट दे देगा, बट ये काफी कंफर्टेबल है। और मैंने पूरा 1 month इन्हीं को पहना है, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, इसकी नीचे ग्रिप इतनी अच्छी है कि स्लिप नहीं होता जब मैं कुछ वेट उठाती हूँ, प्लैंक करती हूँ या कुछ भी आप ऐसी एक्टिविटी करते हो जिसमें आपको लगता है आप गिर जाओगे, स्लिप हो जाओगे, इसमें बिल्कुल भी स्लिप नहीं होता। इसका फ्रिक्शन मुझे काफी अच्छा लगा, सोल अच्छा है, कंफर्टेबल है, लुक वाइज भी काफी अच्छा है। मैंने पिंक लाइन वाले लिए हैं बिकॉज आई लाइक कलर पिंक, तो मैंने ऐसे ले लिया, थोड़ा सा गर्ली एक लुक आ जाती है। और मैंने डार्क कलर इसीलिए लिया है ताकि गंदे भी होना जितना दिखे नहीं, बिकॉज जिमिंग करते हैं, बारिश का टाइम है, कीचड़ वीचड़ में जाते हैं तो गंदे हो जाते हैं। सो ओवरऑल फॉर द प्राइस पॉइंट आई रियली लाइक इट, और मैं तब से इसको कॉन्स्टेंटली पहन भी रही हूँ, तो 1 month का मैं आपको वेयर टेस्ट दे सकती हूँ कि पहनने में भी कंफर्टेबल है। सस्ते के हिसाब से प्राइस पॉइंट में आई वुड से थम्स अप, अगर आप कुछ बजट में देख रहे हो ना तो ये शूज जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट वर्कआउट एसेंशियल्स आर सॉक्स, और ये मैंने रिसेंटली ऑर्डर करी है बिकॉज रिसेंटली मुझे लगा कि यार सॉक्स भी तो जिम एसेंशियल्स का पार्ट होनी चाहिए, बिकॉज शूज जो आप पहनते हो काफी बार योगा करते हो कुछ भी करते हो तो आप निकालते हो, एंड आपकी सॉक्स भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, अदरवाइज अंदर से ना फुट अजीब सा होने लगता है। तो मैंने अमेजोन पे मिली मुझे डील प्राइस पर ये फ्रॉम सम ब्रांड कॉल्ड टेक्स होम्स एंटी स्लिप यूनिसेक्स कॉटन नो शो लोफर सॉक्स, तो मैं अपने शूज के नीचे ना यही वाली पहनती हूँ, इनको बोलते हैं नो शो सॉक्स, काफी तगड़ा है, टंग ट्विस्टर है, बट लेट्स से इट अगेन, नो शो सॉक्स, वी डिड इट। सो ये मैंने लिया है पेयर, इसके अंदर मिलती है 6 सॉक्सेस, और नो शो का मतलब क्या होता है, ये कुछ होती है इस तरह से। सो ये बेसिकली जो आप पहनते हो ना ये काफी आगे चला जाता है ये वाला पार्ट, और ये पूरा पीछे से चला जाता है, तो इधर के पोर्शन में ये सॉक्स दिखती नहीं है। जब स्नीकर्स शूज पहनते हो ना तो वो जो ऊपर तक दिखती है ना एंकल तक, वो सॉक्सेस अच्छी नहीं लगती, बिकॉज आजकल ट्रेंड ही यही है, नो शो सॉक्सेस का ट्रेंड है। हम जब नॉर्मल वेस्टर्न के साथ भी कुछ शूज पहनते हैं ना तो हम यही वाली सॉक्सेस पहनते हैं। पैक में आते हैं 6 कलर, वी आर लिटरली सॉर्टेड बिकॉज ब्लू, व्हाइट, ब्लैक, हल्का सा स्किन कलर ग्रे और एक डार्क ग्रे, सारे इसमें कलर्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं, यूनिसेक्स है, गर्ल्स बॉयज दोनों पहन सकते हैं। ऐसे लाइन लाइन बनी होती है और ये बेसिकली ग्रिप देती है, सो ये उतरता नहीं है, जब वर्कआउट करते हो चलते हो आपका पैर थोड़ा बहुत हिलता है काफी, आपके सॉक्स ना पीछे से उतर जाती है। कशिका ज्ञान मैं आपको देना चाहती हूँ, कभी भी सॉक्सेस दो नो शो तो लेनी है, प्लस विद ग्रिप लेनी है, रेगुलर वाली मत लेना बिकॉज ये ग्रिप ही आपको वो स्लिप होने से बचाएगी, और ये ओवरऑल फिट भी काफी अच्छी देती है। सो दीज आर नाइस, आई थिंक फॉर द प्राइस पॉइंट 6 पेयर इज नॉट अ बैड डील। इसमें आपको पैक ऑफ सेम कलर भी मिलता है, लाइक आपको सेम ग्रे का, सेम ब्लैक का, सेम व्हाइट का, पूरा 6 का 6 सेट मिलता है। सो ये थे मेरे बेसिक जिम एसेंशियल्स जो आई थिंक हर लड़की को चाहिए ही होते हैं। इसके अलावा एक और मैं रिकमेंडेशन देना चाहती हूँ, बिकॉज अमेजोन की प्राइम डे सेल चल रही है तो शायद गैजेट्स भी अच्छे डिस्काउंट पे हो, वो है ये स्मार्ट वॉच, बिकॉज इसके बिना मैं जिम नहीं जाती, आई नीड माई स्मार्ट वॉच। ये ट्रैक करती है, ये मेरे स्टेप्स को काउंट करती है, मैं इसके बाद वर्कआउट ऐप को ओपन करके वर्कआउट भी करती हूँ, जो ट्रैक करता है बेसिकली मैंने कितनी कैलोरीज बर्न करी, मैंने कितना मिनट वर्कआउट किया, सो काफी ईजी हो जाता है। एंड आई थिंक स्मार्ट वॉच इज गुड, अगर मैं फोन इधर उधर भी रख देती हूँ ना तो जो भी कॉल्स आती है, जो भी नोटिफिकेशन होते हैं, मैं अपनी वॉच पे इजीली देख सकती हूँ। सो अगर आपको ये डील पर मिलेगी ना अच्छी तो डेफिनेटली ग्रैब करना, मैं नीचे भी लिंक दे दूंगी। इसका मॉडल नेम है एप्पल SC 40mm, ये एप्पल ब्रांड की है, SC इसका मॉडल है, और 40mm इसका डायल साइज है, जो सबसे छोटा साइज है, मेरा हाथ काफी पतला है सो इसलिए मैंने सबसे छोटा साइज ही पहना हुआ है, जो बड़ा लग रहा है मेरे ऊपर, लेकिन ये सबसे छोटा 40mm साइज है। सो डेफिनेटली ट्राई, वैसे अफोर्डेबल कैटेगरी में भी आती है, लाइक बोट की स्मार्ट वॉच आती है, एक नॉइस की स्मार्ट वॉच आती है, मैं लिंक कर दूंगी अगर आपको इंटरेस्टेड हो कि आपको कुछ बजट में लेना है अंडर 2000-3000 तो आपको ले सकते हो, बिकॉज प्राइम डे सेल पर ना गैजेट्स पर बहुत अच्छी डील मिलती है, सो डेफिनेटली आप गैजेट्स भी ग्रैब कर लेना। मैंने जो भी प्रोडक्ट्स की बात करी है मैं सबको लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब जो मुझे और भी कुछ अच्छा मिलेगा जो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ वो भी मैं लिंक कर दूंगी, सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। और आपको एक मेरा स्टोर फ्रंट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना तो आपको सब कुछ सारा एक ही जगह पर दिख जाएगा, आप इजिली शॉप भी कर सकते हो, आपके लिए काफी कन्वीनियंट हो जाएगा। सो डू चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसके अलावा डू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स, एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।